यहाँ पर बन रहा है बिहार का सबसे बड़ा मॉल बेली हाई स्ट्रीट मॉल। पटना के बेली रोड में बन रहा है बेली हाई स्ट्रीट मॉल, बहुत ही खूबसूरत मॉल बनकर तैयार होने वाला है। ये स्टार्टिंग इसका जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। पटना में एक से एक मॉल बन के बनते जा रहा है। अभी तक तो सबसे बड़ा सिटी सेंटर ही मॉल है, पहले पीएन मॉल था। हम लोग राजापुर के पास पीएन नंबर 64-65 के बीच में, यहाँ पर बन रहा है बिहार का सबसे बड़ा मॉल बेली हाई स्ट्रीट मॉल। तो लास्ट तक ब्लॉग बने रहिए, पूरा आपको अपडेट देने वाले हैं। रास्ते ऊपर पुल है, यहाँ पर पिलर नंबर 64-65 है और यहीं पर बन रहा है इसी के अंदर मॉल। तो अंदर जाके तो शूट नहीं करने अलाउ दे रहे हैं, मेरे को पुल के ऊपर ही जाके खड़ा होकर वहाँ से करना पड़ेगा। और आपको बता दें एयरपोर्ट का इलाका है तो यहाँ पर ड्रोन शॉट नहीं होगा। बाकी और भी नया नया मॉल बना उसको मैं अपडेट देते रहता हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, मैं सिर्फ अपडेट नहीं देता हूँ, पटना को एक्सप्लोर करता हूँ। तो बार बार ये मत बोलिए वहाँ का अपडेट दो, यहाँ का अपडेट दो, जो बहुत जरूरी है तभी मैं जाके अपडेट। पटना के बेली रोड में बन रहा है बेली हाई स्ट्रीट मॉल, बहुत ही खूबसूरत मॉल बनकर तैयार होने वाला है। ये स्टार्टिंग इसका जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। ये बेसमेंट का काम इसका चल रहा है, बताया जा रहा है ओवर 4.39 एकड़ के जमीन पे इसको बनाया जा रहा है। पक्के तौर पे मुझे जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला है मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। रिटेल स्टोर होगा यहाँ पर, फूड कोर्ट होगा बहुत बड़ा सा, गेमिंग इंटरटेनमेंट स्पेस होने वाला है। जैसे सिटी सेंटर मॉल पीएन मॉल में आप देखा हो गेमिंग स्पेस है, फूड कोर्ट भी आपने सिटी सेंटर पीएन मॉल में देखा, वैसे बड़ा सा फूड कोर्ट होगा। पार्किंग स्पेस होगा, अंडरग्राउंड पार्किंग होगा, बहुत बड़ा होगा। एलिवेटर तो होने ही वाला है, एक्सकलेटर भी होगा, एलिवेटर भी होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी कैमरा वाला सब कुछ लगा रहेगा। देखिए डेट इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 को लास्ट दिया गया है। शायद बोला जा रहा है कि अगर आगे बढ़ता भी है तो 2026 तक, बट इसको कंप्लीट करना है 2025 तक। अगर कुछ रुकावट आती है तो 2026 लेकर आपको चलना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया बेली रोड पिलर नंबर 64-65 के बीच में बन रहा है शेखपुरा एरिया है। मैं अभी फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ, यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। नागपुर के साइड जो जेबी मॉल बन रहा है उससे तो ये बड़ा है, बट हेरिटेज मॉल जो बन रहा है मेरे को उससे बड़ा ये नहीं लग रहा है, क्योंकि हेरिटेज मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल होने वाला है जहाँ तक मेरे को पता चला। और फिर से आपको अपडेट देंगे हेरिटेज मॉल का, बट उससे बड़ा नहीं होगा, बट बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल ये होने वाला है। अभी आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी तो फर्स्ट फ्लोर का बेसमेंट वगैरह काम चल रहा है। तो अभी मेरे को लगता है ये साल तो खींच लेगा इसी में। पूरे वर्कर आपको देख रहे, देखिए एकदम दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है, मतलब 6 बजते काम, उसके बाद देखते हैं कि रुक जाता है। उसके पहले दिन भर एकदम सवेरे 8 बजे से स्टार्ट होता है, शाम 6 बजे तक काम चलते रहता है। पटना में एक से एक मॉल बन के बनते जा रहा है। अभी तक तो सबसे बड़ा सिटी सेंटर ही मॉल है, पहले पीएन मॉल था, सिटी सेंटर मॉल है, ग्रेविटी मॉल का काम चल रहा है और उसका पता नहीं कब तक होने वाला है। उसमें पता चला कि सिनेमा हॉल है जो कि शायद बाद में खुले, पीवीआर खुलने वाला था, अब खुलेगा नहीं खुलेगा पहले मॉल कम्प्लीट हो जाए उसके बाद पता चलेगा। मतलब पीवीआर अभी नहीं खुलेगा, पहले मॉल खुल जाएगा बाद में सिनेमा हॉल खुलेगा। कौन सा यहाँ पर खुलेगा पूछे तो बोले कि आईनॉक्स का चांस लग रहा है, आईनॉक्स या पीवीआर ही खुलेगा, मतलब कोई बड़ा मल्टीप्लेक्स यहाँ पर खुलने वाला है। बाकी और भी नया नया मॉल यहाँ पर, उसका भी अपडेट आते रहेगा। तो अब चलिए यहाँ से पानी निकलने वाले। मॉल बेली हाई स्ट्रीट मॉल है, बहुत ही खूबसूरत मॉल है, पूरा आपको बता दिए जानकारी। अब पानी यहाँ से निकलने वाले हैं, और भी अपडेट आते रहेगा। चलिए तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।